आज हम पहुंच गए ग्वालियर में ऐसी जगह जहां पर मिलते हैं गोलगप्पे, लेकिन ये सूजी के नहीं हैं, आटे के नहीं हैं, ये गोलगप्पे हैं किसी और चीज़ के। और किस चीज़ के हैं ये बताएंगे हमें ये भैया। नमस्कार जी भैया, नाम बताएं भैया एक बार। सोनू है। अच्छा, तो भैया जो आपके गोलगप्पे हैं वो थोड़े डिफरेंट दिख रहे हैं, ये ना आटे के हैं ना सूजी के हैं, किस चीज़ के हैं ये? ये मूंग की दाल, उड़द की दाल के हैं। आटा, रवा, मैदा, उड़द की दाल, तीनों मिक्स है ये। जी, जी। आप खुद ही बनाते हैं? जी, मार्केट से बने बनाए लेते हैं? नहीं नहीं, ये खुद ही बनाते हैं। आप खुद ही बनाते हैं? कितने टाइम से बना रहे हैं आप ये? तीसरी पीढ़ी से बन रहा है, 40-45 साल हो गए। 40-45 साल हो गए जी। भैया हमने तो अभी तक यही सुने थे कि सूजी के होते हैं और आटे के होते हैं, वही खाए हुए हैं। अब पानी में धनिया यूज नहीं करते? धनिया का ही पानी बनता है। अच्छा, तो ये रेड कैसे हो रहा है भैया? ये लाल मिर्च का पानी। लाल मिर्च का शहर में क्या है कि इस गोलगप्पे के संग यही पानी चलता है, बाकी ये पानी आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये लाल मिर्च का पानी है, घर की मसाले से बने हुए पानी है ये पानी। वैसे हम छोटे थे ना, हमने बहुत पिया हुआ है ये पानी, अच्छा लगता था। तो बहुत टाइम से हम मिस कर रहे थे ये फ्लेवर, ये फ्लेवर हमें नहीं मिला। ये फ्लेवर आपको ग्वालियर में कहीं नहीं मिलेगा, केवल एक ही शहर के अंदर दुकान है, वो अपनी है, वो आप, जो कि 40 साल से अपन यही पानी चला रहे हैं और कुछ नहीं रखते, केवल यही टिकिया और यही पानी होगा, यही पानी रहता है। तो आपका कहीं और भी स्टॉल रहता है? नहीं, यही स्टॉल है, पहले वहाँ थोड़ा आगे था, वहाँ से रख के यहाँ आ गए अपन। अच्छा, राम मंदिर चौराहे पर ही है। तो ये पूरे ग्वालियर में इकलौता स्टॉल है जी, जहाँ पर ये वाला पानी और ये वाले गोलगप्पे मिलेंगे। बिल्कुल, हर जगह आपको आटे सूजी के हर जगह मिलेंगे, ये वाले गोलगप्पे आपको नहीं मिलेंगे दाल के। भैया आपने अपने स्टॉल को कोई नाम नहीं दे रखा है? स्टॉल का नाम बहुत पुराना है, 40 साल पुराना नाम है, साई चाट भंडार। आपके ये बाबा दादा के जमाने से चला? जी जी, ये आप तीसरी पीढ़ी है। और क्या क्या मिलता है भैया आपके यहाँ? ये अपने आप टिकिया है, ये करेला चाट रहता है। किस चीज का होता है भैया? ये मैदे का रहता है। मैदे का रहता है। इसका क्या रेट रहता है? इसका अभी 15 रुपए पीस है। 15 रुपए पीस है। दही में चटनी भी अमचूर की है। ये चटनी आपको कलर वाली चटनी नहीं मिलेगी। अच्छा अच्छा, डिफरेंट कलर दिख रहा है इसका। कलर मिलेगी आपको, इसमें कलर नहीं यूज नहीं करते। लोग इनके यहाँ दूर दूर से आते हैं और पैक करा के भी लेके जाते हैं। ठीक है भी होगा, क्या देना चटनी देना? 20 रुपए की। आप देख सकते हैं कि लोग बहुत दूर दूर से इनके यहाँ टिक्की खाने के लिए आते हैं। भैया मिर्ची डालना आपने मांगने करेला चलो। ये देखिए, ये हमारा गोलगप्पा आ चुका है, साइज में थोड़ा छोटा है। गोलगप्पा है ना, रियल में बहुत टेस्टी है। सूजी के और आटे के गोलगप्पे से काफ़ी डिफर है, और जो लाल मिर्ची का इनका पानी है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर दे रहा है, थोड़ा तीखा है। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप फटाफट से चले जाइए भैया के पास, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। भैया एक बार एड्रेस बता दें। राम मंदिर चौराहा, राम मंदिर ठीक सामने, लखपत ग्वालियर। और टाइमिंग बता दें आप एक बार। टाइमिंग है 2 बजे से रात को 10:30 बजे तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो चैनल को किया करें सब्सक्राइब, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। और अच्छा टेस्ट आ रहा है पानी का, खासकर पानी जो तीखा है, एकदम लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि शेजवान चटनी के साथ है ना गोलगप्पे खा रहे हो। अच्छा ऐसा है? हाँ, मज़ा आ गया। मज़ा आ गया।